फोटोशॉप के ऊपर हम पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाएंगे, क्लिक करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद जिस फोटो को पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट करना है वो फोटो पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है। लेट सपोज हमने ये फोटो ओपन किया और ये वो फोटो है जिसको हम पासपोर्ट साइज में बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद इसको हमने यहाँ से डबल क्लिक करके अनलॉक किया, ठीक है। जैसे हमने इसको डबल क्लिक करके अनलॉक किया तो यहाँ पे क्लिक किया और इसको कर दिया। अब इसको क्लिक करके यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे गए और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कंट्रोल सी किया कॉपी, और फाइल में जाके यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेजोल्यूशन का ख्याल करना है, 100 रख लेंगे यहाँ से रेजोल्यूशन, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, और कंट्रोल वी करके हम क्या करेंगे इसको पेस्ट। ये बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, एक पिक्चर ओपन करी, उसमें पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए जो हिस्सा था वो सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करके कॉपी किया, एक न्यू फाइल ली है, उसमें रेजोल्यूशन 100 रखी है और उसको हमने क्या किया यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज में जाएंगे और इमेज साइज का एक ऑप्शन है, मतलब जो भी इमेज है उसके साइज को दोबारा से रीडिफाइन कर सकते हैं। जो भी इमेज है उसके साइज को दोबारा से रीडिफाइन कर सकते हैं, कैसे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें उस इमेज का एक्चुअल साइज दिखाएगा। साइज हमें दो तरह से दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा इंचज में और यहाँ दिखाएगा पिक्सल्स में, यहाँ दिखाएगा पिक्सल्स में और यहाँ दिखाएगा इंचज में। अब क्या करना है, आपने जो पासपोर्ट साइज का फोटो होता है उसका एक्चुअल साइज होता है 1.5 इंच बाय 2 इंच, तो आपने यहाँ पे पिक्सल वाले में चेंज नहीं करना बल्कि इंचज वाले में चेंज करना है और यहाँ पे रखना है 1.5 बाय 2। 1.5 इसकी विड्थ हो जाएगी इंचेस में और 2 इसकी हाइट हो जाएगी इंचेस में, और रेजोल्यूशन कितनी रखनी है 100। और ओके करेंगे तो आप ये देखेंगे ये साइज उसका 1.5 इंच बाय 2 हो चुका है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल ओ करके फिट ऑन स्क्रीन करेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, कंट्रोल टी का बटन दबाना है इस पिक्चर के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा। ऑल्टर शिफ्ट को होल्ड करना है और चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कम कर देना है, एक एक पिक्सल समझ लो, ओके okay। और क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना, सही है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस फोटो को पासपोर्ट साइज का तो ये बन गया, लेकिन अब एक मसला है, अगर मैं इस फोटो को यहाँ पे फाइल में जाके देखें सेव एज करता हूँ और इसकी पीएनजी बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ पीएनजी, और इसको मैं जाके पिक्चर्स में सेव कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ अलिशबा पासपोर्ट साइज, ठीक है, और ये पीएनजी फाइल क्रिएट हो जाएगी। जाके चेक करते हैं हम इसके अंदर पिक्चर्स के अंदर, तो यहाँ से गए पिक्चर्स में और यहाँ पे देखा हमने अलिशबा पासपोर्ट साइज के नाम से फोटो बन गया, ठीक है, बिल्कुल पासपोर्ट साइज यही है ना, हम बनवाते हैं। अब आप इसको प्रिंट कैसे करेंगे, सवाल ही है, बात समझ रहे हैं। अगर आप प्रिंट करेंगे तो एक ही फोटो प्रिंट होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस बात का ख्याल करना है, चलो ना तो खींच ले, छोड़ दे उसको फिर, ठीक है। तो हमें इस बात का ख्याल करना है कि हमें ये देखना है कि जो प्रिंटेबल शीट है, प्रिंटेबल शीट है वो किस साइज में आती है। वो दो साइज में अवेलेबल है जिसका हम प्रिंट कर सकते हैं, एक है 4 बाय 6 इंचेस के साइज में और दूसरी है 8 बाय 10 के साइज की इंचेस की सूरत में, समझ रहे हैं। यहाँ पर 4 इसकी मैंने जो बताई है ये उसकी विड्थ है, 4 इसकी क्या है विड्थ है और हाइट जो है उसकी क्या है 6, ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब अगर हमारे पासपोर्ट साइज का फोटो निकाल साइज निकालें, पासपोर्ट साइज का जो फोटो का साइज है वो क्या है, वो है 1.5 बाय 2 इंच, 1.5 बाय 2 इंच। तो अगर हम इसको सपोज करें 4 बाय 6 की शीट पर, तो मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू कर रहा हूँ और यहाँ से ले रहा हूँ फोटोज और फोटोज में जाके मैं कह रहा हूँ 4 बाय 6, देखो यहाँ मौजूद है 4 बाय 6 में दो साइज हैं, एक है पोर्ट्रेट, ठीक है,
उसमें रेजोल्यूशन आपने याद रखना है जो आपके पासपोर्ट साइज की, वही रखनी है। क्या रखी थी उसके रेजोल्यूशन हमने? ये हमने लिया पोर्ट्रेट, और इसी साइज का हम लैंडस्केप भी ले सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से लिया फोटो, और फोटो में जाके हमने लिया यहाँ से क्या लैंडस्केप, और यहाँ से क्या लिखी रेजोल्यूशन उसकी 100। साइज एक ही है बस, ये इस तरह से पोर्ट्रेट व्यू में है और ये लैंडस्केप व्यू में। ठीक है, अब आ जाए इसके ऊपर। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह से तो एक ही फोटो प्रिंट होगा शीट के ऊपर, तो वो तो फायदे वाली बात नहीं हुई ना। अगर उसको 10 करने का 10 शीटों पे काट के देंगे क्या? अब हम क्या करेंगे, एक शीट पर 4, 6, 8 जितने फोटो आ सकते हैं हम लेने की कोशिश करेंगे। उसका तरीका ये है कि जो हमने फोटो ये बनाया है, वाले सलाम, जो हमने ये फोटो बनाया है, इस फोटो को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, और यहाँ से क्लिक करेंगे डिफाइन पैटर्न। क्या करेंगे, किसको कर रहा हूँ, वो जो फोटो जिसका साइज हमने कितना रखा हुआ है, 1.5 बाय 2। क्या रखा हुआ है साइज उसका हमने, 1.5 बाय 2, 1.5 बाय 2 इसका साइज है। तो ठीक है, तो उसपे हमने यहाँ पे इसका साइज रखा हुआ है 1.5 बाय 2। नहीं, 2 मिनट हो गया। तो अब क्या करेंगे, एडिट में जाके यहाँ से हम क्लिक करेंगे डिफाइन पैटर्न पर। ठीक है, जैसे ही डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे एक साइज पूछेगा, तो हम इसका कोई भी एक नाम रख लेते हैं, सपोज अलिश्बा पासपोर्ट साइज, और उसको क्या करेंगे, ओके। ये फाइल पासपोर्ट फोटो सेव हो गया फोटोशॉप की पैटर्न लाइब्रेरी में। फोटोशॉप की कौन सी लाइब्रेरी में? पैटर्न लाइब्रेरी। अब सवाल ये है कि ये जो न्यू फाइल ली है इस पे ये कैसे लेंगे? सही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से एक टूल लेंगे जिसका नाम क्या है, पेंट बकेट टूल। ये क्या काम करता है, कलर के लिए, लेकिन कलर नहीं भरना, यहाँ पे फोटो भरने हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन में देखो लिखा रहा है फोरग्राउंड, जब फोरग्राउंड लेंगे तो फोरग्राउंड कलर भरेगा, और जब आप यहाँ से क्लिक करके क्या लेंगे, पैटर्न, तो इसके आगे पैटर्न दिखाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पैटर्न पर, और सबसे आखिर में आएंगे तो हमारा वाला पैटर्न यहाँ पे हमें दिखाई देगा, और इस पर क्लिक करके हमारा वाला पैटर्न ये रहा। ठीक है, क्लिक करके जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फोटो यहाँ पे, अब देखो 4 बाय 6 की शीट है ये, और फोटो हमारा 1.5 इंच का है, 1.5 1.3 और 1.5 4.5 होते हैं, इसलिए आधा इंच कम पड़ गई, तो ये फोटो कट गया। अगर हम इस कार्ड को प्रिंट करेंगे, प्रिंट तो सही होगा लेकिन हमारे ये 3 फोटो खराब होंगे, सिर्फ हमें 6 फोटो मिल सकेंगे। तो हमने क्या किया, इसी शीट को लैंडस्केप में ले लिया 6 बाय 4 में, और अब इस पे जब अप्लाई करेंगे तो देखो पूरे आ जाएंगे 8 फोटो। बात समझ में आई, क्यों पूरे आ गए, क्योंकि चौड़ाई ज्यादा है ना, 1.5 1.5 3 3 और 3 6 और 2 और 2 4। तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो एक कार्ड पर जो फोटो साइज होता है ना, एक कार्ड पे 8 फोटो हमारे इजीली प्रिंट हो जाएंगे। सही है। अच्छा, अब अगर आप इससे बड़ी वाली शीट पे प्रिंट कर रहे हैं जो कि 8 बाय 10 की है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिर्फ आपने एक न्यू फाइल लेनी है, यहाँ से जाना है फोटोज, और फोटो में क्लिक करके देखना है 8 बाय 10 की शीट लेनी है। इसको भी दो मोड में ले सकते हैं, लैंडस्केप में भी ले सकते हैं और पोर्ट्रेट पे भी ले सकते हैं। लैंडस्केप वर्जन लेके देख लें और उस पर अप्लाई करें। ठीक है, अब क्यों खराब हुआ ये सवाल है, ये कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज। देखें, मैंने आपको समझाया था कि हमने जब फोटो को सेट किया था उसकी रेजोल्यूशन कितनी रखी थी, 100, और जब हमने इसको सेट किया तो उसकी रेजोल्यूशन हमारी 300 हो गई थी, तो इसलिए ये मिसमैच हो गया था। अब फोटो लिया 8 बाय 10 लैंडस्केप, और रेजोल्यूशन कितनी रख रहा हूँ मैं इसकी, 100, और ओके करके जब हम अप्लाई करेंगे तो ये देखें पूरे आ गए। इसमें ये 4 फोटो हमारे खराब हुए, जबकि एक शीट पे 1 2 3 4 8 12 16 20 और 24 फोटो हमारे प्रिंट हो रहे हैं। अब इसी शीट को हम पोर्ट्रेट में लेके देखते हैं, तो यहाँ से हम फोटोज में गए, क्लिक किया 8 बाय 10 पोर्ट्रेट, और यहाँ से लिया 100 और ओके कर दिया, और यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें 1 2 3 4 5 10 15 20 25 फोटो प्रिंट हो रहे हैं, सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा खराब हो रहा है, तो इसको हम इसमें प्रिंट कर लेंगे और बाद में अलग अलग करके कस्टमर को या यूजर को दे देंगे। अब इनकी PNG कैसे बनेगी, इनकी PNG बनाना सेम प्रोसेस है, इसकी बना लें। फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑप्शन लेंगे PNG का, और PNG का ऑप्शन लेके यहाँ पे आप नाम रखेंगे, सपोज टू बी अलिश्बा मल्टी पासपोर्ट साइज फोटोज, और उसको क्या करेंगे, ओके, ये सेव हो गई फाइल इसके अंदर।
ठीक है ना, क्या खराब आ रहे हैं? देखो साइज का फर्क है ना, हमारा फोटो 1.5 बाई 2 का है, वो उससे छोटा करेंगे तो यूजर नहीं लेगा ना। पासपोर्ट साइज का 1.5 बाई 2 का होता है ना, और उससे बड़ा 2 बाई 4 का होता है। हाँ एडजस्ट तो हो जाएगा, फोटो का साइज कम हो जाएगा, एडजस्ट भाई एडजस्ट तो ये अभी हो जाएगा। यहाँ से हम इसको अनलॉक करते हैं, इसको नया लेयर दो, इसको यहाँ पे एक बाय इस पर ले लेते हैं, क्लिक करते हैं, कंट्रोल टी दबाते हैं, ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट हो गया, कर लो एडजस्ट जहाँ तक करना है इसको। लेकिन फोटो का साइज भी तो कम होगा ना, फिर फोटो छोटी आएगी। हाँ पिक्चर मोड में ही है, हो जाएगा क्रॉप, यहाँ से देखें क्रॉप हो जाएगा, फिर शीट खाली निकलेगी इतनी खाली निकलेगी। वो तो 10, वो तो पूरे 10 इंच की शीट है ना, 8 बाई 10 की है ना, वो खाली रहेगा, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। हाँ ऐसे प्रिंट होंगे एज इट इज। दस नहीं निकलेगी ना, 6 बाई 4 के ऊपर निकलेंगी 8। हाँ तो दो कार्ड पे प्रिंट कर लो, 16 हो जाएंगे। हाँ ये 25 हो रही है। ये शीट मिलती इसी साइज में है ना, एक जो हम एल्बम देखते हैं ना छोटा वाला, वो 4 बाई 6 का कार्ड होता है, और कार्ड के देते हैं ना वो, समझ नहीं रहे, समझ नहीं रहे, वो इस कार्ड को पूरा प्रिंट करेगा, समझे मेरी बात? 4 तुम्हारी कर ली, 4 दूसरे की लगा दी, ऐसे भी कर लेते हैं बचाने के लिए कार्ड। छोड़ देते हैं शीट को, नहीं मकसद देखो ना, मैं ये बता रहा हूँ, ये मैंने तुम्हें बेस्ट फिट बताया है, इसको तुम घर पे बना के ले जाओ और उसको बोलो इस 4 बाई 6 की शीट पे प्रिंट कर दे, वो तुमसे 20 रुपए लेगा, प्रिंट करके देगा, खुद ही कटिंग करके अलग कर लो। आप इस तरह सोचो ना, 4 क्यों चाहिए आपको, जब आपको एक कार्ड पे 8 प्रिंट हो सकती है तो 8 ही कर दो ना प्रिंट, और 8 के ऊपर कास्ट भी वही आ रही है, 4 पे भी कास्ट वही आ रही है, फर्क 5 और 6 रुपए का आ रहा है। अगर ये शीट हमें 4 रुपए की पड़ती है और हमारी प्रिंटिंग 6 रुपए की, हाँ एक इसकी एक की 100 रुपए नहीं है, एक हाँ वो उसके 100 रुपए ना, आप तो बना के लेके जा रहे हो ना, हाँ प्रिंटिंग सस्ता है।